प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद भाण और भाइयों। आज फिलहाल हम खड़े हैं राजस्थान के घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम पर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पर संकट कटते हैं, भूत प्रेत आदि बाधाओं की जो संकट होते हैं वो यहाँ पर कटते हैं। और मेहंदीपुर घाटा के नाम से पुकारा जाता है। घाटा क्यों कहा जाता है कि दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी होती है वहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वहीं पर ये मंदिर स्थापित है। और आप देख सकते हैं सामने भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। 5:30 बजे का समय है, सुबह है, और 6:30 बजे आरती शुरू होगी यहाँ पर, और 6:30 बजे के बाद दर्शनार्थ के लिए मंदिर खुल जाएगा। और यहीं साथ में आगे दूसरी जगह जो आपको दिखाएंगे बाद में, गणेशपुरी जी महाराज जो यहाँ के प्रथम महंत थे उनकी समाधि है, और समाधि वाले बाबा और उनके पास भी आपको ले चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं सामने भक्तों की भारी भीड़ है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको हर स्वरूप से बालाजी के स्वरूप से आपको रूबरू कराएंगे, हर उनकी महिमा का जो स्थान है उन स्थानों पर आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे आपको। फिलहाल हम बालाजी के मेहंदीपुर धाम के मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल सामने खड़े हैं, और जहां पर आप देख रहे हैं ये संकट वाले जितने भी हैं सभी इधर बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होगी और आरती के समय आपको आरती दिखाएंगे, लाइव दिखा दिया जाएगा आपको, आरती भी लाइव दिखाएंगे आपको। और मेहंदीपुर में जितने भी प्राचीन मंदिर जो दर्शनीय स्थल हैं सभी आपको दिखाएंगे और उन्हीं से रूबरू कराएंगे आपको। और मेहंदीपुर बालाजी का जो स्थान है वो अपने आप में एक परिपूर्ण स्थान है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी संकट, कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो यहाँ मेहंदीपुर घाटा में आने के पश्चात न हो। यहाँ पर अर्जी लगाने के पश्चात, दरखास्त लगाने के पश्चात वो काम की होने की गारंटी हो जाती है। भगवान बालाजी राजस्थान के सालासर में विराजमान है और यहाँ पर घाटे वाले के नाम से, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से विराजमान है, जहाँ पर संकटें कटते हैं और अरदासें पूरी होती हैं। इसलिए देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और आपको लिए चलते हैं अब आरती के स्थल पर। जय श्री बालाजी, जय हिंद। मेहंदीपुर बालाजी घाटे वाले के दरबार में आज के हाजरी राजस्थान मेहंदीपुर आरती का समय। मेहंदीपुर बालाजी गांव घाटा मेहंदीपुर राजस्थान मेहंदीपुर के दरबार में आरती का समय। ग्रामीण बेडवाल और साथियों के साथ, परिवार के साथ, और अभी आरती का समय है। 6:30 बजे बालाजी घाटे वाली की आरती होगी। ये आरती के लिए ही सभी रुजुम, पूरी गली जो मेहंदीपुर बालाजी धाम के सामने की गली है वो पूरी भरी हुई है। और आपको दिखा रहे हैं सामने ये जनता, ये भक्त, ये जो आते हैं गणेशपुरी महाराज जी घाटे वाले बाबा जी के मंदिर के संस्थापक हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और अपने तपोबल से इस मंदिर की स्थापना की, और उनकी समाधि यहाँ सामने बनाई गई है। और इस समाधि को मैं कहूँगा कि क्लोज करके कैमरामैन दिखाए एक बार। और ये गेट लगा है सामने, उधर ये पब्लिक जो जनता है, भक्त है, वो फेरी लगा रहे। फेरी लगाने से कहते हैं हर संकट दूर होता है यहाँ पर। और गणेशपुरी जी महाराज अपने आप में एक ब्रह्म थे, अपने आप में एक भगवान थे, उन्हीं की बदौलत पूरी दुनिया के संकट यहाँ पर कट रहे हैं। और संकटधारी सबसे पहले जितने
जितना बालाजी महादेव को नहीं मानते उतनी मान्यता ज्यादा मान्यता यहाँ पर गणेशपुरी जी महाराज की है, क्योंकि संत थे, फकीर थे, वो पहुंची आत्मा थे और उन्हीं का परिवार जो है आज सृष्टि है और यहाँ पर वही उन्हीं के परिवार से ही मेहनत करता है। आइए हम कुछ बात करते हैं, यहाँ पर मेरे पास दुकानदार खड़े हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? पवन। यहीं के रहने वाले हो? मेहंदीपुर के ही। कितने दिन से रेडी लगाते हो आप यहाँ पर? 3-4 साल से लगाते हो। व्यवस्था जो यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या व्यवस्था सही है यहाँ पर भक्तों के लिए? जिस प्रकार जनता आती है यहाँ पर, इतनी दूर दूर से यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जहाँ कहीं से भी, मध्य प्रदेश, हर जगह से आती है, व्यवस्था नाम से क्या सही है यहाँ पर? अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि अंदर थोड़ी सफाई की रोड़े कंकड़ पड़े हैं और इतने सालों से चल रहा है समाधि का, इतना उधार नहीं हो पा रहा, क्या काम रहा होगा? काम कर रहा है, पड़ा हुआ है, धीरे धीरे इसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग कितने भक्त आ जाते हैं? लगभग दिन में 1.5-2 लाख। हर रोज 1.5-2 लाख के बीच में भक्त आते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर स्वस्थ होके जाते हैं? हाँ बिल्कुल सही होके जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम माता जी। कहाँ से आई यहाँ पे? रैया। कहाँ पे है ये? अच्छा, गोरखपुर के पास बस्ती। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ के लिए आई हैं दर्शन के लिए? अच्छा, कितनी बार आ चुकी हैं आप? तो कितना मानते हैं मेहंदीपुर बालाजी को? बहुत मानता हूँ। 93 बार आया हूँ मैं यहाँ पे आज। 93 बार? वाह, तो सेंचुरी लगाने जा रहे हैं जी। 1 महीने बाद में 100 बार हो जाएगा मेरे ख्याल तो। बिल्कुल 93 बार आए हैं ये। तो आप तो बहुत कुछ जानते होंगे यहाँ पर महंत गणेशपुरी जी के बारे में, बताइए। महंतपुर जी महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा करते हैं सबके ऊपर अपने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सबके संकट करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। सबसे संकट मोचन धाम यही है बालाजी राजस्थान में। अच्छा। हाँ जी, चलिए तो और भी यहाँ पब्लिक और भक्त महंत खड़े हैं सभी, ये देखिए आप। और आप बहुत ही जोश और खरोश से महंत गणेशपुरी महाराज जी की परिक्रमा लगाई जा रही है, यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं और गौओं को और बंदरों को प्रसाद खिलाए जा रहे हैं, केले खिलाए जा रहे हैं। तो 1.5-2 लाख यात्री यहाँ पर आते हैं हर साल, हर दिन, साल में अंदाजा लगा लीजिए करोड़ों यात्री यहाँ पर आते हैं। श्रद्धा श्रद्धा का एक सैलाब उमड़ता है यहाँ पर। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। आपको और दिखाते हैं आगे चल के मंदिर की प्रांगण से और ऊपर श्री काली माई मंदिर और पहाड़ों की, दो घाटों के बीच में बसे इस मेहंदीपुर की, सभी दर्शन दर्शन